हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम नोकिया 3310 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। अगर आप नोकिया का 3310 नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी नाराजगी होगी, क्योंकि ये मॉडल अब बंद हो चुका है। नोकिया ने ये मोबाइल 2000 में लॉन्च किया था, लेकिन अब इसका प्रोडक्ट बंद हो चुका है। नोकिया 3310 GSM मोबाइल है और इसमें मेमोरी कार्ड के लिए जगह नहीं है, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर सिम में ही स्टोर होते हैं। इस मोबाइल का वेट 133 ग्राम है और इसमें आप मिनी सिम ही डाल सकते हैं। अगर आप फोटो के शौकीन हैं और आप मोबाइल से फोटो निकालना चाहते हैं तो फोटो निकालने की फैसिलिटी इसमें नहीं है। इस मोबाइल में आप मोनोफोनिक रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें वाइब्रेशन की भी सुविधा है। इस मोबाइल में ब्लूटूथ, GPS और रेडियो की सुविधा नहीं है। नोकिया 3310 में लाउड स्पीकर नहीं होता है। नोकिया 3310 में आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्लॉक, अलार्म और सिर्फ 4 गेम्स खेलने को मिलेंगे, जैसे स्नेक 2, पेस 2, स्पेस इंपैक्ट और बांतुमी। नोकिया 3310 में 55 घंटे से ज़्यादा और 260 घंटे से कम बैटरी रहती है। अगर आप कंटिन्यूस बात कर रहे हो तो इसकी बैटरी 2.5 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक चलती है। अगर आप डायल्ड, रिसीव और मिस कॉल देखना चाहते हैं तो नोकिया में आप सिर्फ 8 डायल कॉल, 8 रिसीव्ड कॉल और 8 मिस कॉल ही देख सकते हैं। अगर आप इस मोबाइल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आपकी राय बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।